आज हम बात करने वाले हैं 2001 में बनी एक जापानीज एनिमेटेड साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जिसका नाम काउबॉय बीबॉप है। आगे आपको स्पॉयलर्स मिलने वाली है, अगर आपको फिर भी कंटिन्यू करना है तो प्लीज जुड़े रहे मेरे साथ। इस मूवी की टाइमलाइन को सेट किया गया है साल 2071 मार्स में, जब दुनिया एक कैटेस्ट्रॉफी के कारण तबाह हो चुकी है और ज्यादातर इंसान अर्थ को छोड़ चुके। अब ह्यूमैनिटी दूसरे प्लैनेट्स और मून में रहने लगे है। मूवी के मेन कैरेक्टर्स लीगलाइज्ड बाउंटी हंटर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स को पैसों के लिए पकड़ते हैं और सभी एक साथ बीपॉप नामक स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं। आइए आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। स्पाइकी, जो कि रेड ड्रैगन क्राइम सिंडिकेट का एक एक्स मेंबर था। जेट ब्लैक, एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर और स्पेसशिप का ओनर। वैलेंटाइन, जो कि खुद पहले एक क्रिमिनल थी। और एड, जिसे गर्ल विथ जीनियस कंप्यूटर स्किल्स भी कहते हैं। और आखिर में ईन, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित डेटा डॉग है, जिसका इंटेलिजेंस ह्यूमंस के बराबर का है। हेलोवीन से कुछ दिन पहले मार्स के कैपिटल सिटी में ट्रक एक्सप्लोजन होती है और शहर में पैथोजन फैलने लगती है, जिसके कारण 300 लोगों की मौत हो जाती है और कई बीमार होने लगते। इस एक्सप्लोजन के पीछे जिस आदमी का हाथ था, उसे पकड़ने के लिए मार्स की गवर्नमेंट ने उसके नाम पर 300 मिलियन वुलोंग का बाउंटी रखते हैं। वैलेंटाइन, एक हैकर जिसका नाम ली सैमसन था, उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी, लेकिन कोइंसिडेंटली जो ट्रक हैकर चला रहा था उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला टेररिस्ट भी मौजूद था और वैलेंटाइन ने उसे देख लिया था, जिसके चलते बीपॉप क्रू बाउंटी हासिल करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। सभी मेंबर डिफरेंट तरीकों से उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। स्पाइक को पैथोजन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए रशीद नामक आदमी से एक सैंपल मिलती है, जो इस केस के पीछे पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वहां स्पाइकी को इलेक्ट्रा भी दिखती है, जो चेरियस मेडिकल की एक एजेंट थी। वही जेट को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस्तेमाल किया गया ट्रक असल में चेरियस मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी का था और ये कंपनी पैथोजेंस को इलीगली मैन्युफैक्चर करके उनसे बायोलॉजिकल वेपन बनाने का काम करती। एट को उस टेररिस्ट की हाथ में बनी टैटू की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो आदमी विंसेंट है, जो कि एक मिलिट्री स्क्वाड का एक्स मेंबर था और वो ऑफिशियली टाइटन वार के समय मारा गया था, लेकिन असलियत में विंसेंट पैथोजन के टेस्ट का अकेला सर्वाइवर था। उसके ऊपर टेस्ट वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वो इम्यून तो हो गया, लेकिन उसकी याददाश्त में कमी होने लगी और उसके दिमाग के अंदर चमकते हुए बटरफ्लाइज की हेलुसिनेशन होने लगती है, जिसके वजह से वो रियलिटी और ड्रीम में फर्क नहीं कर पाता है और पागल हो जाता है। फिर उस सैंपल पैथोजन का एग्जामिनेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक प्रोटीन बेस्ड नैनो मशीन है, जिसे इंसानों में डिटेक्ट करना नामुमकिन है। इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पाइकी चेरियस मेडिकल में घुसपैठ करता है, जहां उस मुठभेड़ इलेक्ट्रा से हो जाती है और लड़ते हुए स्पाइकी इलेक्ट्रा के शरीर पर माइक्रोफोन प्लांट कर देता है और किसी तरह वहां से भागने में कामयाब होता है। उसी वक्त वैलेंटाइन सैमसन द हैकर को ढूंढ लेती है, जो विंसेंट के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। फिर एन और एड विंसेंट और हैकर को ढूंढ लेते हैं,
लेकिन वैलेंटाइन पहुंचने से पहले वो दोनों हेलोवीन पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वैलेंटाइन लोकेशन में पहुंचते ही विंसेंट सैमसन को मारने के लिए नैनो मशीन कंटेनर को तोड़ देता है, जिससे सैमसन की मौत हो जाती है और वैलेंटाइन भी इन्फेक्ट हो जाती है। लेकिन विंसेंट वैलेंटाइन को किस के द्वारा अपना ब्लड ट्रांसफर करके उसे इम्यून कर देता है, जिससे वो बच जाती है। फिर इलेक्ट्रा को चेरियस मेडिकल द्वारा विंसेंट को खत्म करने का काम दिया जाता है, जिसे स्पाइकी सुन लेता है और इलेक्ट्रा का पीछा करते हुए एक ट्रेन तक पहुंच जाता है, जहां वो विंसेंट को मारने वाली। इलेक्ट्रा से पहले स्पाइकी विंसेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन विंसेंट स्पाइकी को इजीली हरा कर उसे गंभीर रूप से घायल करके ट्रेन के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर से नैनो मशीन से बनी बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसके कारण से ट्रेन में सवार सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रा, क्योंकि पास्ट में उसे अननोइंगली विंसेंट से इम्यूनिटी मिल जाती है जब वो दोनों रिलेशन में थे। इलेक्ट्रा को खुद की इम्यूनिटी के बारे में पता चलते ही वैक्सीन बनाने के लिए सीक्रेटली उसकी कंपनी में काम करने वाला एक दोस्त को अपना ब्लड सैंपल देती। स्पाइकी रिकवर होने के बाद रशीद से आखिरी बार बात करने जाता है, जिसके बाद चेरियस मेडिकल उसे और इलेक्ट्रा को कैद कर लेते हैं ताकि नैनो मशीन के बारे में दुनिया को पता ना चले। लेकिन दोनों वहां से नए बने वैक्सीन को हासिल करके भागने में कामयाब हो जाते। वही वैलेंटाइन को विंसेंट कैद करके बताता है कि वो मार्स में मौजूद सभी को खत्म करने के लिए नैनो मशीन का धमाका करने जा रहा है, और विंसेंट जाने के बाद वैलेंटाइन किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर स्क्वाड एक साथ जुड़ जाते हैं और ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि विंसेंट नैनो मशीन को स्प्रेड करने के लिए जाइंट जैक ओ लैंटर्न बलून को ब्लास्ट करने वाला है, जो कि हेलोवीन पैरेड में इस्तेमाल किया जा रहा था, और सभी उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मार्स गवर्नमेंट कंपनी को सील करने के लिए आर्मी भेजता है और स्पाइकी को अरेस्ट करने के लिए जेट फाइटर्स भेजते हैं, लेकिन स्पाइकी किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा तो लेता है, लेकिन हमले के कारण उसका प्लेन क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ जेट अपने पुराने क्रॉप डस्टर की ट्रूप्स को लेकर शहर के ऊपर से वैक्सीन को स्प्रेड करते हैं। वही वैलेंटाइन वेदर कंट्रोल सेंटर में जाती है, जहां से वो शहर में बारिश करवाती है ताकि हवा में फैला हुआ वैक्सीन बारिश के साथ मिलकर और भी ज्यादा इफेक्टिवली फैल सके। वही स्पाइकी और इलेक्ट्रा सेपरेटली विंसेंट को रोकने जाते हैं, लेकिन स्पाइकी वहां पहले पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं, और दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक विंसेंट बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रिगर दबा के शहर में नैनो मशीन्स को ना रिलीज कर दे। शहर में नैनो मशीन्स फैल जाने की वजह से स्पाइकी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वैक्सीन उसे बचा लेता है। जैसे ही विंसेंट स्पाइकी को मारने वाला होता है, तभी इलेक्ट्रा वहां पहुंच कर विंसेंट को शूट कर देती है। मरने से पहले विंसेंट कहता है कि वो टेस्ट के बाद से ही मरना चाहता था, और इलेक्ट्रा को उनके एक साथ गुजारे हुए पल के लिए थैंक यू कहता है और फिर मर जाता है। मूवी खत्म होने से पहले हमें ये दिखाया जाता है कि वैक्सीन और बारिश मिलके शहर को बचा लेते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज, ताकि इसी तरह आपके लिए वीडियोज लाता रहूं। Peace and adios.